नमस्कार, मैं हूं श्रीलता। इसराइल और हमास की जंग के बीच आज नवा दिन है। महायुद्ध का मेगा कवरेज आप एबीपी न्यूज पर लगातार देख रहे हैं। हवाई हमलों से हमास पर प्रचंड प्रहार के साथ साथ अब फाइनल वॉर के लिए इजरायली डिफेंस फोर्सेस गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन की भी तैयारी में है। इसी बीच बड़ी खबर आपको बताएं, वॉर जोन से बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि इजरायली सेना के प्रवक्ता ने बहुत बड़ा बयान दिया है। बयान में यह कहा गया कि हमास ने बंधकों को गजा में बनी सुरंगों में छिपा करके रखा है। तो देखिए, एक तरफ 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया जाता है, उत्तर से दक्षिण की तरफ लगभग 11 लोगों के शिफ्ट होने की चुनौती होती है, 4 लाख के करीब लोग शिफ्ट भी होते हैं। लेकिन यहां आगे बढ़ने से पहले बहुत बड़ा असमंजस की स्थिति कि जिन बंधकों को हमास लेकर के सुरंगों में छुपाए हैं उनको भी बचाना जिम्मेदारी है। अगर ग्राउंड पर एक्शन होता है और युद्ध जमीनी स्तर पर आता है, ऐसे में बंधकों को बचाना, उनको वापस ले आना, ये सारी चीजें भी चुनौती के तौर पर इजराइल के सामने हैं। इसी बीच ये बड़ी खबर आ रही है कि सुरंगों में हमास ने इन बंधकों को छुपा करके रखा है, ह्यूमन शील्ड का इस्तेमाल कर रहा है हमास। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।